देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली में एक तरफ निगम चुनाव का शोर है तो दूसरी तरफ आजादपुर मंडी में जो चुनाव है वो भी बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इस वक्त हम साथ हैं संदीप खंडेलवाल जी के साथ, जो कि अपने पैनल के साथ आजादपुर मंडी का चुनाव में दलबल के साथ मैदान में है। बात करते हैं छोनू जी से, संदीप जी से, कि संदीप जी किस तरह का ये चुनाव आपके लिए है और आप इस चुनाव में क्या कुछ प्रक्रिया अपना रहे हैं कि जिसकी तरफ आपको वोटिंग की जाए, और आपकी मंडी का जो चुनाव है वो किन किन मुद्दों के लेकर के लड़ा जाता है? संदीप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये हमारा जो चैनल, हमारा जो ये चुनाव है APMC एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी बोर्ड के भी हैं और APMC MNI के भी हैं। हमारे इसमें चार लोग खड़े हुए हैं, हमारा एक पैनल बना हुआ है जिसमें श्यामलाल सुनाम जी हैं, हाशानंद मोटवानी जी हैं और हमारे दीपक गोगिया जी हैं और उसके बाद मैं हूँ। तो अब की बार जो हमारा मुद्दा है यहाँ APMC में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो यहाँ पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि यहाँ आरती भाई अपना काम नहीं कर सकता। आप जहाँ खड़े हैं मंडी के अंदर, आप ये दिखा दिए कौन सी सफाई है, चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे लेन देन का हो, फड़ों के घोटाले हों। यहाँ पर हम 5 सालों से जो हमने इधर मुद्दे उठाए हैं सारे के सारे भ्रष्टाचार के हैं। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, किसी आरती भाई को कोई सहूलियत नहीं है, ना यहाँ पानी के पीने का पानी मिलेगा, ना यहाँ फिल्टरों के नाम पे सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने मेंबर रहे हैं उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। 5 साल में अगर उन्होंने कोई जवाब काम किया होता तो वो 5 साल के 5 जवाब जरूर दें हमसे, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे, 5 प्रश्न, जो 5 प्रश्न का उत्तर दें तो हम अपनी चुनाव की सीट लड़ने के लिए भी मना कर देंगे। लेकिन वो लोग, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का सबसे पहला मुद्दा रहा है पार्किंग, अवैध पार्किंग। आप देख सकते हो यहाँ जितनी अवैध पार्किंग चल रही है, मोटा घोटाला है, करोड़ों रुपये का लेन देन होता है। दूसरा, गेट पास पे जाओ, सिविल डिफेंस वाले और जो आपके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो 406 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और 50 के करीब हमारे सिविल डिफेंस है, 500 बंदा, मतलब 470 बंदा अगर पूरी मंडी में अगर हमारे यहाँ करे तो वो यहाँ पे हमारा यहाँ जाम की कभी समस्या नहीं होगी। लेकिन 470 बंदों में से आप 200 बंदा दिखा दो पूरी मंडी के अंदर कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, और इसके उजागर भी हमने कई बार किया है कि प्राइवेट सिक्योरिटी को बंद की जाए। लेकिन ये जितनी प्राइवेट सिक्योरिटी की जो तनख्वाहें आती है, प्राइवेट सिक्योरिटी की, हमारे जितने भी ये मेंबर बैठे थे इन्होंने बहुत मोटा घोटाला लगाया, चाहे हमारे AB पार्किंग हो, B ब्लॉक पार्किंग हो, C ब्लॉक पार्किंग हो, अवैध रूप से बसाए गए हैं, इसका भी हमारा मुद्दा रहा है। इसके बाद हमारे असेसमेंट के नाम पर, फड़ों के नाम पर, हमारे यहाँ अक्रॉचमेंट के नाम पर, जो हमारे नेताओं के, हमारे जो यहाँ विधायक रहे हैं उनके खोखों का जो चल रहा है, जहाँ जो मेंबर बैठे हैं वो अपने छोले भटूरे के खोखे लगा के बैठे हैं, किराए की इनकम चल रही है, जो मेंबर यहाँ बैठा है उसके 10-10 फड़ है, 10 फड़ लेने का क्या मतलब, कोई भी 10 फड़ ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन इन लोगों ने जितनी अंधेर नगरी मचा रखी है, आरती भाइयों का शोषण होता है, कोई पैसा लेके भाग जाता है तो उसमें फैसला, कोई पैसा काम कराना हो तो फैसला, असेसमेंट करना हो तो फैसला, इन लोगों ने अपने दलाल बनाए हुए हैं, और जो APMC के जो दलाल हैं हमारे आरतीयों का शोषण करते आए हैं। इस शोषण का आपके पास जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, कि इन लोगों ने जितना भ्रष्टाचार किया है आप समझ जाएं, क्योंकि अब की बार बदलाव की राजनीति है, परिवर्तन की कोई राजनीति नहीं है, बदलाव की है। वो कोई कैमरे लगेंगे नहीं ना, यहाँ आप देखो कोई कैमरा नहीं है, आप यहाँ किसी का अगर चाकू चोरी हो जाते हैं, यहाँ जो भी ड्राइवर आए वो परेशान, किसान आए वो परेशान, आरती आए वो परेशान। मंडी किसके के लिए बनी है? हम 3 लोगों के लिए, किसान, आरती और मजदूर भाई, कोई नहीं है। मजदूर भाई हमारे जितने भी हैं उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसान का भवन का तो आप नाम ही ना लो, 6.5 करोड़ का शीला सरकार के टाइम में बना था, उन्होंने खंडर कर दिया। किस लिए किया है? कि जितने ये अवैध जो आपके यहाँ होटल खुले हैं उनको चलाने के लिए। कोई भी आरती मजदूर भाइयों के लिए अगर कोई खान पान की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बीमारियों का गढ़ है। एक बात सुनने में आई है कि जो आपके काफ़ी सारे जो स्टेट है वहाँ पे किसानी है, लेकिन दिल्ली में किसानी नहीं है, तो उसके मेंबर रखे जा रहे हैं, दूसरे स्टेटों के मेंबर रखे जा रहे हैं। ये भी घोटाला है जी, इसका भी हमने उजागर किया हुआ है। जो हमारे बने हैं उनको पता है, दिल्ली सरकार के जो चुने आते हैं लोग, हम तो एक ही बात कहते हैं कि गवर्नमेंट का राज हो, गवर्नमेंट के राज में शासन हो, हमारे यहाँ कमेटियाँ बनाई जाए, गठित कराई जाए, जो कमेटी गठित हो वो खुलेआम यहाँ पर पब्लिक के सामने मीटिंग करे, बंद कमरों में ना करे। हमने इसके लिए भी मुद्दा उठाया, जो भी हमारी मीटिंग होगी वो कंप्यूटराइज होगी, बाकायदा ऑनलाइन दिखाया जाएगा कि अंदर बंद कमरों में कौन सा क्या फैसला लेता है। लेकिन वो भी एक अलग चीज़ है, हम अब की बार जो भी मीटिंग करेंगे वो खुले में होगी, आरती भाइयों के सामने होगी। पैनल आता है तो क्या मुख्य मुद्दे? पहला हमारा भ्रष्टाचार खत्म करना। पहले महीने में सबसे पहले जितनी अवैध पार्किंग है इनको हटाया जाएगा, जितनी साफ सफाई है उसको तगड़ी की जाएगी, जितने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनको गवर्नमेंट के रखे जाएंगे, सिविल डिफेंस के, वो सारे के सारे यहाँ काम करेंगे। जो जाम की समस्या है, जो अवैध रूप से जिन लोगों ने घेरा हुआ है वो हटाया जाएगा, फड़ों की अलॉटमेंट दोबारा से कराई जाएगी, हर आरती का फड़
फंड मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी को चलेगा। असेसमेंट की जो मुख्य समस्या है उसको ख़त्म करेंगे। जितने भी हमारे जो बैंक कॉम्प्लेक्स में अवैध पार्किंग बनी हुई है, जो अवैध रूप से खोखे बने, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि जितने भी आड़ती भाई हैं उसी रोड से वो जाते हैं और वहाँ पर जितनी चोरियाँ होती हैं, चकारी होती हैं, वहाँ आड़ती भाई भी परेशान, अपना माल भी सकते। एक चीज़ बताइए, आपसे भाई साहब बैठे हैं हमारे समाचार में, आप दिखा रहे हो, बिल्कुल दिखाना कि एपीएमसी मार्केट में आड़ती भाई बढ़ती है, जनता बढ़ती है, गेट पास बढ़ते हैं, सिक्योरिटी बढ़ती है, पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी फीस किससे लेते हैं? आड़ती भाइयों से। जब हमारे कोई सहूलियत नहीं है तो हम मार्केट फीस क्यों भरें? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे को सबसे पहले हमारे आड़ती भाई, मजदूर भाई और जितने हमारे किसान भाई, उनकी सेफ्टी दी छः साल हो गया, हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे, हमारी मार्केट फीस कहाँ से बनेगी? कल को मार्को फड़ के इसकी कैसे देंगे? आपके लेकर मुद्दों को लेकर के भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या जाम की है। ये अवैध पार्किंग जो हट जाएगी तो जाम अपने आप ही हट जाएगा। कैमरे से दिखाइए, देखो खुलेआम जाम, अवैध पार्किंग की मार्केट फीस होगी, फल उसको देंगे जब हमें काम भी नहीं करना। आप पैनल में है तो आप किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सभी भाइयों को नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। एपीएमसी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जितने अवैध छोले भटूरे और ये सब्जी होटल बन रहे हैं, सब इनको महीना हफ्ता देते हैं तो तब ये जाम की समस्या इससे होती है। खाने पीने की किसानों की कोई सुविधा नहीं है। हमारे संदीप भाई ने बहुत मुद्दों को उजागर किया, आपके सामने भी किया। एक मुद्दा हम भी अब कहना चाहते हैं। मैं MNI आजादपुर मंडी के हूँ, हसनंद मोटवानी, मौसमी से दुकान हूँ, अंगूर की दो काम है मेरा। और ये जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं तो इसी वजह से जाम के लिए। क्या कुछ अब तक? देखो जी, हम लड़ रहे हैं, कोई हम जीतने या हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम इन लोगों को यहाँ पर जनता के सामने नंगा करने के लिए लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है, आड़तियों को कुछ नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ पैसों का जो लेन देन समझा है, पैसा ही इनका माई बाप है, उसको उजागर करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत देनी पड़े। हार जीत ऊपर वाले के नसीब में, जो कर्म किया वो हमें, जो हम 5 साल ये कार्य कर रहे हैं, हम अपने काम के बदले वोट मांग रहे हैं। हम ये नहीं है कि हम किसी के कहने पर वोट मांग रहे हैं, काम किया है तो वोट दो, नहीं तो मत। आप क्या करना चाहेंगे? 10 रुपए की बोझ उठाते हैं और वो एक घंटे में पहुंच नहीं पाते हैं जी, और पीने के पानी नहीं मिलता है। 10 रुपए की बोझ उठाते हैं, वो भी एक घंटे में पहुंच नहीं पाते हैं और फिर भी पीने के पानी से। इतने लोकल वाले हैं, गाड़ियां साइड में लगवा लेते हैं, APMC वालों को पैसे देते हैं, 4-4 घंटे लोड हुई गाड़ियां सब्जी की खड़ी रह जाती है, कोई गाड़ी पहुंच नहीं पाती है टाइम से, यहीं फंस जाती है डी ब्लॉक में। ये सारे अड्डे वालों देते हैं पैसे APMC को, गाड़ियां निकलने नहीं पाती है। अरे बहुत प्रॉब्लम है, पहले अगर गाड़ियां लोड हो गई तो कहीं जाने का जगह नहीं मिलता है, मतलब गाड़ी चढ़ा देता है पैरों पे। पलेदार का आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है, इतना जाम लगा रहता है कि मतलब गाड़ी पैर पे चढ़ा देता है, मार ठोक देता है।